अभी रात की 1 बज रही है, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है भाई हावड़ा जंक्शन के बाहर। दोस्तों मेरी बस लग गई है 215, ये वहाँ से लगभग 20 रुपया भाड़ा है चिनार पार्क का। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, नई साल कहानी की 2024 की मेरी फर्स्ट जर्नी होने वाली बोकारो थर्मल टू हावड़ा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ में नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ट्रेन पहुँचने वाली, अभी जो टाइमिंग हो रही है 6:30 बज रही है और 1 घंटा ट्रेन लेट चल रही है। आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं S3 में गाइस, और मेरी सीट यहीं पे है। चलिए अंदर चलते हैं। बाय बाय बोकारो थर्मल, और ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है गाइस। तो अभी तक 26 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं टोटल। आज हम लोग जर्नी करने वाले 327 किलोमीटर। शक्तिपुंज एक्सप्रेस की बात करें तो डेली का डेली खुलती है, जबलपुर से लेकर ये हावड़ा जाती है। और ट्रेन नंबर की बात करें 11447। तो फिलहाल हम लोग हैं चंद्रपुरा जंक्शन में, यहाँ पे 5 मिनट की स्टॉप पहुँच गए कोयला राजधानी, यानी कि धनबाद 2.5 घंटे का सफ़र कर चुके हैं। अभी और भी सफ़र करने वाले हैं, सुबह सुबह हम लोग पहुँचेंगे समथिंग भोर में 3 से 4 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे हावड़ा जंक्शन। फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कोलकाता, जो होटल में रुकने वाले हैं। काफ़ी डिटेल आप लोग को मिलने वाला है कोलकाता टूर करने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगती है क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, साथ में नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। यही काफ़ी फेमस है कोयले के लिए, यहाँ पे काफ़ी पिक्चरों की शूटिंग भी हो चुकी है जस्ट लगा पर गेम ऑफ वासेपुर, और इस तरह का कुछ नज़ारा है। उस गए हम लोग दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में आती है। अभी नाइट के 10:30 बज रही है और जैसे जैसे नाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ठंडा भी बढ़ती जा रही है। भाई लोग ठंडा तो काफी लग रहा है। लो जी हावड़ा जंक्शन पहुंच गए बाहर। गाड़ी लगेगा? रिपीट हो गया? नहीं, रेलवे स्टेशन का बाहर आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग देख सकते हैं। यहाँ के लोकल जो टैक्सी है ना आपके पीला कलर की होती है, यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो और यहाँ जहाँ जाना आप जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है कोलकाता में घूमने के लिए। और अभी रात की 1 बज रही है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है भाई हावड़ा जंक्शन के बाहर। छोटी सी एक मार्केट भी है देख सकते हैं ना, सस्ते में कुछ आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। सुबह के 4:30 बज रही है और यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी चिनार पार्क जाने के लिए। लगभग यहाँ से 1 घंटा का सफ़र करने वाले हैं, 15 किलोमीटर है यहाँ से। कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही है कोलकाता में। दोस्तों मेरी बस लग गई है 215, ये वहाँ से लगभग 20 रुपया भाड़ा है चिनार पार्क का। काफ़ी भीड़ भी हो गई है, लगता फुल हो गया गाइज। काफ़ी लेट कर रही थी इसलिए फाइनली मैं उबर बुक किया हूँ रेपिडो। कितना शो कर रहा है? चलिए दोस्तों हम निकल चुके हैं चिनार पार्क की ओर, ऑलरेडी मेरी रेपिडो आ चुकी है, बस काफ़ी लेट कर रही थी।
ऊँचाई 2 बज रही है। कल नाइट में पहुँच गए थे यहाँ से, 3-4 घंटा स्टेशन में थे, वहाँ से फिर रेविडो बुक किए, फिर वहाँ गया थे। रूम काफ़ी सर्दी हो गई, खांसी भी हो गई, अभी उसकी वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाए। बगल में रूम हम लोग का है, और दोस्तों हम लोग निकल चुके थे कोलकाता घूमने के लिए। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये होटल का नाम है रॉयल टाइगर, जो काफ़ी फेमस है यहाँ का। गाइज देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा है, ओवर ब्रिजे नज़र आ रही थी। साथ ही आप जो ये देख रहे हैं आपका साइंस सिटी का नज़ारा है दोस्तों। ये ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी ओवर ब्रिज थी, लगभग 3 किलोमीटर यहाँ पे हम लोग सफ़र किए हैं, जो कोलकाता की सबसे बड़ी ओवर ब्रिज थी। साथ ही यहाँ पे ट्रैफिक भी काफ़ी लग गया था, और हम लोग पहुँच चुके थे मार्केट पैलेस में, जो कोलकाता का काफ़ी फेमस है, धर्मतला। दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रोड में रेलवे ट्रैक है, बट यहाँ पे ट्राम चलती है गाइज। और शाम हो चुकी थी, अब हम लोग निकल चुके थे अपने रूम की ओर। देख सकते हैं शाम का नज़ारा काफ़ी शानदार लग रहा था। फाइनली गाइस आज की जर्नी मेरी ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। साथ ही नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल फिर घूमते हैं कोलकाता की दूसरे एरिया में। बाय बाय, टेक केयर।